सोमवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ व देवीपाचन मंडल की रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रम स्थल परिसर में लगाए गए कृषि प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी में कृषि उद्यान आदि विभागों की तरफ से प्राकृतिक खेती तकनीकी कृषि यंत्रों व विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए कई स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बच्चों को अन्नप्राशन किया तथा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया, जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ और प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भी होती जैव उर्वरक जीवाणु विशेष प्रकार के माध्यम और वनस्पतियों के तत्वों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती जैविक खेती फार्मिंग आर्ट अच्छा ये बताइए तो लीक करेंगे तो कैसे अच्छा अपने वहाँ के पास पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
भैया भैया हाथ हाथ भैया राजी जी अरे गिरा गया है और खाएगी है और खाएगी और खाएगी और खाएगी महाराज जी और खाएगी खाएंगे फिर ले लो भाई जी भाई भाई पीछे 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 और अब जो नया है ये सारे किसानों के दिया जा रहा है कि जो काला नमक के जो है चार वैरायटी है जो ये 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 तो ब्लैक राइस नहीं सर ये अनपॉलिश्ड है इसका खाली भूसी छुपाया गया है ये कौन सा काला नमक का हाँ इसका कलर ऐसे रहता है अगर इसको भी हम पॉलिश कर देंगे तो फिर ये हरा है आपका वही कर इसीलिए इसमें विटामिन है